हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और अब हम विंटर ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। विंटर ओलंपिक्स अभी इस समय चल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है उसमें, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है विंटर ओलंपिक्स ओवरव्यू। हम पढ़ेंगे विंटर ओलंपिक्स की कब शुरुआत हुई थी, क्या क्या उसमें खास बातें रही हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया ने उसमें विंटर ओलंपिक्स में अब तक क्या क्या किया है, और उसके बाद 28 इन ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे। जो फर्स्ट ओलंपिक था हमारा, वो कब हुआ था, 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और 1924 में हुआ था, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली क्या 1924, और दूसरा कब हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बैरन पियरे डी कॉर्बिन जो था, उसने फाउंड किया था आईओसी को, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को, ठीक है, 1894 में, ठीक है। तो ये डेट्स जो है आप याद रखेंगे, और नाम भी बैरन पियरे डी कॉर्बिन का। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इन 1986 समर एंड विंटर ओलंपिक डिसाइडेड टू डन इन सेपरेट ईयर्स। उससे पहले क्या होता था 1986 से पहले, कि विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स जो दोनों होते हैं, जिसमें समर ओलंपिक्स तो आप जानते ही हैं, अभी जो 2016 में हुए थे, जिसमें पीवी सिंधु ने मेडल भी जीता था, तो वो ओलंपिक्स और ये जो अभी हो रहे हैं वो ओलंपिक्स, दोनों एक साथ होते थे, एक के बाद एक, मतलब एक ही साल के अंदर होते थे। जैसे अगर 2018 में हो रहा है, तो इसी साल फिर विंटर ओलंपिक भी होगा और इसी साल समर ओलंपिक भी होगा। लेकिन 1986 में डिसीजन लिया गया कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स जो है, अब वो दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स में होंगे। मतलब कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ये दोनों एक साथ हों, ठीक है। और ऐसा 1990 में आया था कि जब दोनों एक साथ होने थे, तो उनको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। चौथा पॉइंट है म्यूनिक, जो है जर्मनी की फर्स्ट सिटी है जिसने विंटर और समर दोनों ओलंपिक्स को होस्ट किया, ठीक है। म्यूनिक जर्मनी में है, तो वो एक पहली सिटी है जिसने क्या विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट कर चुका है और समर ओलंपिक्स भी होस्ट कर चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ, 1924 में फ्रांस में। और फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली सिटी कौन सी है जिसने विंटर और समर ओलंपिक दोनों होस्ट कर चुके हैं, वो कौन सी है, म्यूनिक है जर्मनी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखिए इसको देखते हैं विंटर ओलंपिक्स, अब इसके आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है USA होस्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ विंटर ओलंपिक्स। USA जो है उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर चुके हैं, जो कि चार हैं, ठीक है। ये डेट भी लिखी हुई है, कौन कौन सी, 1932, 1960, 1980, 2002। फ्रांस ने कितने ओलंपिक्स होस्ट किए हैं, तीन, ठीक है, मैं विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। और फिर तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 1964 और 1976 होस्ट किया, ठीक है। 1976 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखते हैं। पॉइंट सिक्स, 2022 ओलंपिक कौन होस्ट करने वाला, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग चाइना, चाइना होस्ट करने वाला है। चाइना की कौन सी सिटी, बीजिंग, 2022 का ओलंपिक्स जो विंटर ओलंपिक्स है, ठीक है। यानी कि अब बीजिंग जो है 2022 में वो भी बन जाएगी ऐसी सिटी जो दोनों होस्ट कर चुकी होंगी, समर ओलंपिक्स भी और विंटर ओलंपिक्स भी। समर ओलंपिक्स कब होस्ट किया था उन्होंने, 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ था समर ओलंपिक्स, वो बीजिंग ने होस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद सेवन पॉइंट देखते हैं, जो 1976 की जो होस्ट था वो था डेनवर, ठीक है, होस्ट कौन था, डेनवर, ठीक है, कोलोराडो है सिटी, स्टेट है कोलोराडो, उसकी सिटी थी डेनवर, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो उसको मिला था 1976 में। लेकिन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने के कारण कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट इशू आएंगे और काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, तो इनकी वजह से काफ़ी विरोध हुआ, जिसकी वजह से डेनवर ने क्या किया, डेनवर ने अपना नाम जो है वापस ले लिया और पीछे हट गया। जिसके बाद किसको मिली है, उसके बाद ये होस्ट करने का मौका मिला इंसबर्ग ऑस्ट्रिया को, इसको मिला इंसबर्ग ऑस्ट्रिया को, जिसने 1976 के विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट किए, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले किसने सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक्स होस्ट किया है विंटर ओलंपिक्स, यूएसए ने, एक पॉइंट ये। उसके बाद ये डेनवर, ठीक है, डेनवर को मिला था लेकिन उसने होस्ट नहीं किया, कब, 1976 में। उसके बाद किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं एट पॉइंट, साल्ट लेक सिटी कॉन्ट्रोवर्सी। साल्ट लेक सिटी कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी, 2002 ओलंपिक्स इन यूएस ड्यू टू ब्राइबरी एलिगेशन 10 आईओसी मेंबर्स एक्सपल्ड। जो साल्ट लेक सिटी कॉन्ट्रोवर्सी है, असल में जो 2002 ओलंपिक्स जो हुआ था, विंटर ओलंपिक्स जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो साल्ट लेक सिटी में हुआ था, जो कि कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें पता चला कि काफ़ी सारे लोगों को रिश्वत दी गई है वहाँ पर होस्ट पाने के लिए, ठीक है, ओलंपिक्स का, कि ओलंपिक की मेज़बानी जो है वो उन्हें मिल जाए,
उनके देश को मिल जाए, इस तरह से पता चला। खास उसके बाद फिर पता चला कि जापान को भी जो मिली थी कुछ साल पहले, या जापान को जो मिली थी वो भी इसी तरह से उन्होंने रिश्वत ली थी। स्ट्रिक्टली नहीं पता चल पाया कि वो रिश्वत के अंदर आता है या नहीं, लेकिन ऐसा पता चला कि वहाँ पर गिफ्ट जो है उन्होंने लिए थे, राइफल्स ली गई थी काफ़ी महंगी महंगी। और एक एक जो ओलंपिक IOC का मेंबर था उसने अपने बेटे को एडमिशन भी करवाया था एक बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो ये सब चीज़ें जो है पता चली थी, जो अनियमितता थी, ठीक है, तो उसको माना गया था कि वो गलत चीज़ें हैं, और इसलिए क्या 10 IOC मेंबर्स को निकाल दिया गया था उस समय, और उतने ही मेंबर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था, ठीक है। तो साल्ट लेक सिटी कंट्रोवर्सी ये है, विंटर ओलंपिक्स की साल्ट लेक सिटी कंट्रोवर्सी ये है कि उस समय क्या होता है, 2002 ओलंपिक्स ये जो इस समय था उस समय ब्राइबरी एलिगेशन हुए थे उनके ऊपर, IOC के मेंबर्स के ऊपर, जिसकी वजह से 10 मेंबर्स को निकाल दिया गया था और 10 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें उसके चीफ का भी नाम आया था, IOC मेंबर, IOC के चीफ का। उसका 9th पॉइंट देखते हैं, डिज्नी डू द क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी इन 1960 ओलंपिक्स स्क्वायर वैली लेक टो, ठीक है। तो डिज्नी जो है वॉल्ट डिज्नी, जिसके हम कार्टून्स देखते हैं, जिसकी फिल्में होती हैं वॉल्ट डिज्नी, तो उसने क्या क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी की थी 1960 ओलंपिक्स की, ठीक है। किसने की थी क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी 1960 ओलंपिक्स की, वॉल्ट डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी यानी कि डिज्नी ने, ठीक है। स्क्वायर वैली लेक तो यहाँ पर हुआ था ये, ठीक है। क्या था कि ये जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी नहीं, और जो स्टेडियम थे वो सभी काफ़ी छोटे थे, तो इसका काम किसको दे दिया गया, वो डिज्नी को दे दिया गया, और फिर डिज्नी ने ओपनिंग सेरेमनी भी की और क्लोजिंग सेरेमनी भी की। लास्ट 10th पॉइंट देखते हैं कि डॉग स्लेड रेसिंग इन 1932 गेम्स एट लेक प्लेसिड न्यूयॉर्क, 12 ह्यूमंस एंड 70 डॉग इसमें इस्तेमाल किए गए थे या खेले थे, और कैनेडियन जो है उसने गोल्ड मेडल जीता था। ये क्या है, ये इकलौती ऐसी रेस है विंटर विंटर ओलंपिक्स में जिसमें क्या डॉग्स ने यानी कि कुत्तों ने भी भाग लिया था, ठीक है। 1932 गेम्स हुए थे जब, तो उसमें लेक प्लेसिड में न्यूयॉर्क में जो था उसमें एक रेस हुई थी जिसमें कुत्ते भी ने भी भाग लिया था रेस में, तो उसमें 12 तो ह्यूमन थे और 72 डॉग्स थे, ठीक है। लेकिन एंड में गोल्ड किसने जीता, कनेडियन ने जीता था, ठीक है, कनाडा के आदमी ने जीता था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो सॉल्ट लेक कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट है, और एक डॉग स्लेड राइजिंग कब हुई थी, ये 1932 में, और उसके बाद आज तक कभी नहीं हुई, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो हुआ था उसमें डॉग स्लेड राइजिंग हुई थी, उसके बाद आज तक ये कभी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हटा दिया गया विरोध के कारण। आगे चलते हैं, अब है इंडिया की बात करेंगे। इंडिया ने सबसे पहले तो मेडल जो है इसमें नहीं जीते हैं, मतलब ना 0 गोल्ड हैं, 0 ब्रॉन्ज हैं, और 0 ही सिल्वर है, ठीक है। तो उसके बारे में तो कोई मेडल उन्होंने आज तक नहीं जीता, तो वो तो है नहीं। उसके बाद पॉइंट सेकंड देखते हैं, 2018 ओलंपिक्स में 2 मैन है जिन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है, 2 इंसान है जिन्होंने क्वालिफाई किया, किस किस ने, एक जगदीश सिंह ने क्वालिफाई किया और शिवा केसवन ने क्वालिफाई किया। जगदीश सिंह जो है वो किसने किसने किया, क्रॉस कंट्री में, किसमें किया है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में किया है, ये 15 किलोमीटर फ्री स्टाइल है जिसमें उनको करना है, ठीक है। किसमें किया, जगदीश सिंह ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में किया है 15 किलोमीटर फ्री स्टाइल में। उसके बाद फोर्थ जो हमारा पॉइंट है उसमें, मतलब दूसरा कौन सा इंसान है जिसने किया है, वो है शिवा केसवन, किसने किया है, शिवा केसवन, ठीक है। ये मैन सिंगल्स में जाएंगे और ल्यूक गेम जो है उसको किया है इन्होंने, ठीक है। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, शिवा केसवन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में, जगदीश सिंह और शिवा केसवन के बारे में, इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शिवा केसवन के बारे में पढ़ते हैं। शिवा केसवन जो है 5-टाइम ओलंपियन है, सबसे पहली बात, तो करंट एशियन चैंपियन भी इस समय यही है, ठीक है। ल्यूग में मैन सिंगल्स में इस समय करंट चैंपियन, एशियन चैंपियन जो है वो शिवा केसवन ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुका है एशिया कप में 2011 में, कब, नागोना जापान में, मतलब वो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं एशिया कप में, कब जीते, 2011 में। उसके बाद स्पीड रिकॉर्ड, इस समय एशियन स्पीड रिकॉर्ड भी है, सबसे तेज का रिकॉर्ड जो है वो भी इस समय उन्हीं के नाम पे है, जो 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने ये रेस जो है वो पूरी की थी। उसके बाद 5th पॉइंट है, इन 2014 केसवन पार्टिसिपेटेड एट इंडिपेंडेंट ओलंपिक पार्टिसिपेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या कि कैसे पार्टिसिपेट किया था, इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस समय जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो था उसको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो उसको इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंटली उसमें पार्टिसिपेट किया था। जैसे अभी 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे रियो में, तो उसमें आपने देखा था कि एक रिफ्यूजीज भी थे जिनकी पूरी की पूरी टीम थी, जिसको जिस जो किसके झंडे के नीचे काम कर रहे थे, जिसके किसके झंडे के नीचे खेल रहे थे, वो ओलंपिक्स के झंडे के नीचे खेल रहे थे। तो उसी तरह से क्या था कि 2014 के जो ओलंपिक्स थे उसमें केसवन ने खेला तो था, लेकिन इंडिया की तरफ से नहीं खेला था, इंडिपेंडेंट ओलंपिक की तरफ से खेला था, ठीक है। वहाँ पर से उन्होंने
इसमें भाग लिया था, ठीक है। 2014 ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? वो रसिया में हुए थे, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल रखा है 2012 में, ठीक है, 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल रखा है। इन्होंने 2011 में जीता था एशिया, और उसके बाद फिर इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद जगदीश सिंह की बात करेंगे, ठीक है। तो जगदीश सिंह जो थे, जगदीश सिंह जो हैं, सॉरी, जगदीश सिंह जो हैं वो इंडियन आर्मी में इन्होंने ज्वाइन की है 2011 में, ठीक है। इंडियन आर्मी ज्वाइन किया 2011 में, और ये फिनलैंड में इन्होंने क्वालिफाई किया। खास बात ये रही कि जो क्वालिफिकेशन मार्क था उससे सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा ये ज़्यादा लेकर आ पाए, और इन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है, सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा लेकर आ पाए, ठीक है, और इन्होंने क्वालिफाई जो है कर लिया। अब हम बात करेंगे ये जो विंटर ओलंपिक्स जो इस समय हो रहा है 2018, वो कहाँ हो रहा है? वो प्योंगचांग में हो रहा है, जो कि साउथ कोरिया में है। वो कहाँ हो रहा है? साउथ कोरिया में हो रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की एक ही टीम है, ठीक है। किसमें? यूनिफाइड हॉकी टीम, ठीक है। उनकी किस कौन सी टीम है जो एक ही है? हॉकी टीम, ठीक है। यानी कि हॉकी टीम में साउथ कोरिया के मेंबर और नॉर्थ कोरिया के मेंबर दोनों साथ में खेल रहे हैं, ठीक है। कौन सी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो मेंबर्स हैं हॉकी के, वो एक साथ खेल रहे हैं यूनिफाइड हॉकी टीम में, ठीक है। और दोनों एक ही झंडे के नीचे जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी को करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जब ये ओलंपिक्स का ख़त्म होंगे तो उसमें किसने क्या इंपॉर्टेंट मेडल जीता उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो जो है बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे अगर कोई भी बात आपको करनी हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।